Xiaomi ने एक्चुअल में कमाल कर दिया। हेलो, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक बार। फाइनली भाई चाइना में लॉन्च हो गया है Redmi Note 7 और उसका प्राइस बहुत बहुत एग्रेसिव भयानक रखा हुआ है। 10,300 में आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला Redmi Note 7 Pro देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली इंडिया में आते आते प्राइस क्या रहेगा हम लोगों को नहीं पता, बट जो मेरा आइडिया है ऑब्वियसली भाई 13,000 के आसपास ही होगा, क्योंकि उसको कॉम्पिटिशन देना होगा Asus को। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस फोन के डिजाइन के बारे में भाई, क्योंकि इसको लेकर मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस बार Xiaomi ने बहुत सारी ऑडियंस को टारगेट करा है अपने अलग अलग कलर्स के साथ। भाई पिंक भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है, कहीं ना तो कहीं भाई लड़कियां भी अट्रैक्ट होंगी अब पिंक कलर से, नहीं तो पहले जो है गोल्ड और ब्लैक ही होता था। ऑनर की याद आ गई यार, बिल्कुल YN जो उनका लेटेस्ट फोन आया ऑनर का बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो देखते हैं कि भाई Xiaomi आगे चल के इसका क्या करता है, इंडिया में कितना टारगेट कर पाता है। सबसे अच्छी बात मेरे को यार ये लगी कि हमें इसमें USB टाइप सी देखने को मिलता है। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई 2019 का फोन है और आपको लग रहा होगा भाई टाइप सी दे दिया तो पक्का हेडफोन जैक हटा दिया होगा, बट एक्चुअल में हमें इसमें हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। पता नहीं क्यों तरस गया था मैं यार बोलने के लिए। इतना ही नहीं यार, ये फोन क्विक चार्ज 4.0 भी सपोर्ट करेगा, तो यार ये भी बहुत बहुत कमाल की बात करके दिखाई है Xiaomi ने। और ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी भी देखने को मिल जाता है। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है जो अपने Xiaomi ने टीजर डाले थे इस फोन के कि भाई बार बार गिरा गिरा के दिखा रहे, तो इसका मतलब फोन जो है स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा होगा। डिजाइन की बात खत्म करने से पहले यार मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस बार Xiaomi ने ना वाटर ड्यू नॉच भी दे दी है फ्रंट में। बहुत ही अट्रैक्टिव ये फोन दिखने वाला है और यहाँ पर कहना पड़ेगा कि भाई Realme और Asus को कंपटीशन नहीं, बहुत बहुत बड़ा कंपटीशन मिल गया इस बार Xiaomi की तरफ से। अब बात करते हैं Redmi Note 7 के कैमरे के बारे में। हमें इसमें 48+5 megapixel का डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है बैक साइड में। भाई मैं टेस्ट करना चाहता हूं इस फोन के कैमरे को और मैं श्योर हूं MI2 को यूज करने के बाद कि भाई इसका कैमरा भी कुछ ज्यादा ही सही होने वाला है। और ऑब्वियसली जो 5 megapixel है इसके बैक साइड में वो अपने डेप्थ सेंसिंग के लिए होगा। सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में दूरी अपना देखेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लर कर देगा। तो देखते हैं कि भाई इसका कैमरा कैसा रहता है। बट यार मेरे को एक कमी लगी कि हम इसमें 4K का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ 1080p फुल HD वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हो। बट अच्छी बात ये भी है कि हमें बहुत अच्छी EIS देखने को मिलेगी, क्योंकि EIS जो है Xiaomi की बहुत सही होती है, बिल्कुल मक्खन स्मूथ वीडियोस आती है। और 13 megapixel का हमें यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। कुछ भी कहो भाई Xiaomi ने हर एक चीज का ध्यान रखा है, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो, बैक हो, वीडियो हो, कैमरा डिपार्टमेंट में फोन बहुत ही सही रहने वाला है। और बात खत्म करने से पहले भाई मैं ये भी बताना चाहूंगा भाई कैमरे के ना मेगापिक्सल से ज्यादा सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। IMX586 सेंसर इतना कमाल का है, मैं श्योर हूं कि भाई क्या कमाल फोटोज आने वाली है MI A2 की तरह, इसलिए मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं इसके कैमरे को टेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं भाई Redmi Note 7 की डिस्प्ले के बारे में। हमें 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका एस्पेक्ट रेशियो होगा 19:5:9 का। और गोरिल्ला ग्लास 5 भी दिया इस बार छुपाया नहीं यार Xiaomi ने कि भाई कौन सा गोरिल्ला ग्लास है, क्या बात है। तभी तो भाई अपने ड्रॉप टेस्ट हो रहे थे इस फोन के, फोन आने से पहले टीज करा जा रहा था। और ऊपर से सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी कि 450 निट्स की ये डिस्प्ले होने वाली है, इतनी ब्राइट होगी कि मैं श्योर हूं आपको धूप में बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो कहीं ना तो कहीं यहां पर Xiaomi ने डिस्प्ले में भी कंजूसी नहीं करी है। इनफैक्ट मेरे को यार इतना तो जरूर पता है कि जो Xiaomi के डिस्प्ले के पैनल होते हैं वो कुछ ज्यादा ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट होती है। तो होपफुली भाई इसका भी हो, जब आएगा मैं जरूर टेस्ट करने वाला हूं और आप लोगों को एक फुल रिव्यू जरूर देने वाला हूं इस फोन का। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो, लॉजिकल लग रही हो, तो भाई मैं इस फोन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं, ऑनेस्ट रिव्यूज क्या, कंपैरिजन क्या, आप टेक बार को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। भाई यहां पर एक बात मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा भाई, इस बार भी हमें एंड्रॉइड ओरियो ही देखने को मिला है, सिर्फ MIUI 9 के साथ। काश पाई के साथ दिया होता तो भाई पूरा ओवरऑल पैकेज ये बन जाता, बट कोई नहीं, एक जगह और हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बट एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूंगा इस फोन के बारे में, वो ये कि हमें इसमें स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिलता है 2.2 GHz के साथ, अंडरक्लॉक नहीं किया Xiaomi ने। भाई ये लोग है ना बहुत अच्छे समझते हैं इंडिया को, इनको पता है कि भाई हमें एक एक चीज के बारे में पता है, हमारी ऑडियंस बहुत ही शानी है। कुछ भी को यहाँ पर अंडरक्लॉक ना करना बहुत तगड़ा मूव था Xiaomi की तरफ से और बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगा ये। ऑब्वियसली भाई बहुत सारे वेरिएंट भी हमें इसमें देखने को मिल जाएंगे, 3GB 4GB 6GB। वैसे पता है चाइना में 6GB वाला बहुत ही सस्ता लॉन्च हुआ है 14,000 के आसपास का, क्या क्रेजी प्राइसिंग की है इस बार।
बाकी परफॉर्मेंस की बात खत्म करने से पहले यार मैं यही कहना चाहूंगा भाई, मेरे अकॉर्डिंग जो है MIUI कुछ ज्यादा ही स्टेबल है और ऊपर से स्नैपड्रैगन 660 के साथ तो मेरे को पता है कुछ अलग ही परफॉर्म करने वाली है। फाइनली मेरे को अच्छा लगा कि यार Xiaomi वापस से मार्केट में आया और देखते हैं कि भाई क्या रहता है आगे के लिए। बट मेरे को एक डाउट बहुत ज्यादा रहता है कि यार जो अपना स्नैपड्रैगन 660 है बहुत जल्दी पुराना होने वाला है और हमें इसके जैसे लगा लो फरवरी में फोन आ जाता है तो 3 महीने बाद ही हमें स्नैपड्रैगन 675 या फिर इससे बेटर प्रोसेसर वाले फोन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, तब मे बी ये लोग जो है अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा दुखी कर दे। ऑब्वियसली यार ऐसे ही होता है कि हर 2 महीने बाद एक नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, बट बंदा कब तक वेट करे। तो अभी के लिए मैं कह सकता हूं कि स्नैपड्रैगन 660 एक ओके चॉइस है, इनफैक्ट एक फ्यूचर प्रूफ वाली चॉइस है। लास्ट में बात कर लेते हैं भाई बैटरी बैकअप के बारे में। हमें टिपिकल Xiaomi की तरह हर एक नोट सीरीज की तरह इसमें भी हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली भाई क्विक चार्ज 4.0 के साथ तो क्या तगड़ा परफॉर्म करने वाला है, वो अलग बात है कि क्विक चार्ज 4.0 वाले चार्जर नहीं है मार्केट में, बट आगे जाके आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्विक चार्ज 3.0 तो हम आराम से कर सकते हैं, बहुत फास्ट चार्ज होएगा। तो यहाँ पर एक बात अच्छी लगी कि भाई कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी है, फास्ट चार्जिंग भी है, अच्छे से अच्छा प्रोसेसर भी है, डिस्प्ले भी है, वाटर ड्यू नॉच भी है। क्या चीज बनाई है भाई इस बार Xiaomi ने, काफी कमाल करके दिखाया यार बैटरी में भी। अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि आपको इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर किसी रिलेटिव को वेट करवाना चाहिए या फिर नहीं। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग हाँ आप जरूर करवा सकते हो और मेरे को ऐसा लगता है कि ये फोन फरवरी में आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो Redmi Note 5 Pro था वो फेब में आया था 2018 के, तो देखते हैं कि भाई ये फोन भी 14 फेब को आता है नहीं। होपफुली आ जाए तो बहुत सही है, हम लोग तो खासकर ऐसे ही फोन का वेट कर रहे थे। मैं तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है, होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक करके मेरे को जरूर बताना और सब्सक्राइब करके हमारी टेकिंग को ज्वाइन कर, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।